सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। यह जो पिक्चर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये देखने में जितनी रोमांचकारी दिख रही है, वास्तव में ये बेहद खतरनाक है। आज शाम करीब 5:10 पर गुना के प्लेटफार्म नंबर 1 पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। गनीमत ये रही कि कोई ट्रेन नहीं थी, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है। गुजरात में रोजगार की तलाश में गए मकसूदनगर क्षेत्र के वैरवास गांव के 7 लोगों की आग से जलने से मौत हो गई। मामला बेहद संगीन है। कोई बता रहा है फैक्ट्री में आग लगने से मौत हुई है, कोई बता रहा है गैस सिलेंडर फटने से मौत हुई है। 4 लोगों की डेड बॉडी गांव में आ चुकी है, 3 की कल पहुँचने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का संभाग मुख्यालय पर प्रदर्शन संपन्न। वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ते, सभी विभागों में पदनाम परिवर्तन सहित अन्य 23 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन के दूसरे चरण में 23 जुलाई को ग्वालियर संभाग मुख्यालय पर कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमे गुना से प्रदेश संगठन मंत्री अनिल भार्गव के नेतृत्व में जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, रामकृष्ण शर्मा, कमलेश श्रीवास्तव, अनिल परमार, विजय शर्मा, भानु प्रताप सिंह सहित संभाग के अनेक पदाधिकारियों ने सहभागिता की। आंदोलन के अंतिम चरण में 27 जुलाई को भोपाल में विशाल प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों की राज्यपाल से गुहार, भविष्य सुरक्षित किया जाए। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार ने 19 जुलाई को 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात करके अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा से अवगत कराया एवं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की तरह अनुभव के आधार पर नीति बनाकर चरणबद्ध तरीके से भविष्य सुरक्षित करवाने का आग्रह किया है। साथ ही विगत अप्रैल 2019 से बेरोजगार प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों के अतिथि शिक्षकों की शीघ्रता भर्ती करवाकर रोजगार दिलवाने का निवेदन किया गया है। कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक गंभीर रूप से घायल। आरोन थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवीर खेड़ी और बारौद की ओर से कार और मोटरसाइकिल में भिड़ंत। मोटरसाइकिल सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को 108 की मदद से सिविल अस्पताल भेज दिया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गुना रेफर कर दिया गया। जय आदिवासी युवा संगठन आरोन द्वारा थाना प्रभारी को दिया गया ज्ञापन। राष्ट्रीय जैस के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एवं आरोन में अशोक राठौर के द्वारा जैस सामाजिक संगठन एवं उसके कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अत्यंत अभद्र गाली का उपयोग सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर किया जाकर जैस संगठन के समस्त सदस्यों को अपमानित किया गया है। अशोक राठौर एवं फेसबुक के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने हेतु ज्ञापन सौंपा गया। शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। 50 गर्भवती महिलाओं को लगा कोविड का पहला टीका। गुना जिले में 7 केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जा रहा है। नगरीय केंद्र जिला चिकित्सालय के DEIS भवन गुना में कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया, जिसमें दोपहर 1:30 बजे से 50 से अधिक महिलाओं को कोविड का पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर सोनम जैन, अपर कलेक्टर संजीव पांडे, SDM अंकिता जैन, CMHO पीबुनकर, सिविल सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी सुदर्शन कुशवाहा, RMO डॉक्टर सुधीर राठौर आदि मौजूद रहे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा जिला गुना अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के 41 संगठनों के अध्यक्षों ने धरना स्थल पर आकर दिया समर्थन। जिला पंचायत की सभी शाखाओं में पड़ी रही कुर्सियां खाली, कर्मचारी रहे हड़ताल पर। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज जिला इकाई गुना द्वारा जनपद पंचायत गुना परिसर में ग्रामीण विकास विभाग के 14 संगठन के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज 23 जुलाई को भी हड़ताल जारी रही। व्यापारी पर न्यायालय ने लगाया 40,000 का जुर्माना। न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी गुना द्वारा लूज खाक तेल विक्रय करने वाले दो व्यापारियों पर 20,000 के जुर्माने
अधिरोपित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नवीन जैन द्वारा माह अप्रैल 2020 में सदर बाजार आरोन के व्यापारी महावीर जैन फर्म ज्ञानचंद्र कपूर चंद के यहाँ खुले रूप से बेचे जा रहे पामोलिन खाद्य तेल का सैंपल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत जांच हेतु लेकर खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला को गुणवत्ता परीक्षण हेतु भेजा गया था। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवले के द्वारा बाड़ो में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा फ्रैंक नोवले के निर्देशन में जिन उपभोक्ताओं की पात्रता पर्ची बंद है उनकी पात्रता पर्ची भरवाई गई और सामाजिक सुरक्षा पेंशन समस्या निवारण का शिविर लगाया गया। इस मौके पर मौजूद SDM अंकिता जैन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव उपस्थित रहे। प्रभारी मंत्री जिला गुना प्रद्युमन सिंह तोमर के जिले के समस्त विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 23 जुलाई को नगर परिषद चाचौड़ा बीनागंज में पात्रता पर्ची पेंशन से संबंधित शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। गर्भवती माताओं को लगाए COVID-19 के टीके। शासन के आदेश के पालन में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बीनागंज में गर्भवती माताओं को COVID-19 के टीके लगाए गए। BMO डॉक्टर टिंकू वर्मा ने बताया कि सभी स्तर पर COVID-19 से लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से गर्भवती माताओं को आज कोवैक्सीन के टीके लगाए जाना शुरू किए गए हैं। PSC प्रारंभिक परीक्षा के दौरान कहीं भी साउंड न बजे, बोले जिला कलेक्टर, परीक्षा शांतिपूर्वक एवं नियमानुसार संपन्न कराएं। परीक्षा पर्यवेक्षक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 25 जुलाई को गुना में संपन्न होगी। इसके लिए ग्वालियर चंबल संभाग के संभागीय पर्यवेक्षक सीनी IAS राजकुमार पाठक ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक ली। होटल एवं ढाबों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापामार कार्रवाई। कलेक्टर फ्रैंक नोबल एक के निर्देशानुसार मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा राघोगढ़ क्षेत्र में EV रोड पर स्थित होटल एवं ढाबों पर निरीक्षण एवं नमूना कार्रवाई की गई। गुना हनुमान चौराहे पर जिला कांग्रेस की अगुवाई में शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। इसमें प्रमुख रूप से शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद के विचारों का आदान प्रदान करने वालों में सर्वश्री नूर अल हसन, नूर कैलाश नारायण भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश मंथन, कैलाश यादव, वीरेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद राम जीवन भार्गव, प्रदीप तिवारी, मनोज तिवारी आदि उपस्थित रहे। औद्योगिक क्षेत्र किसी भी शहर में विकास व तरक्की की अहम भूमिका निभाता है। औद्योगिक क्षेत्र से ही कई लोगों के रोजगार प्राप्त होता है, परंतु गुना शहर का औद्योगिक क्षेत्र ही अभी विकास की राह देख रहा है। यहाँ की सड़कों की हालत गांव से भी बदतर है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी तरफ हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र खाटू श्याम मंदिर, जहां हर 11 हजारों लोग बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। उसके बाद भी सालों से यहाँ की सड़कें खुदी पड़ी हैं। आज बाधा करें अभियान के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 न्यू सब्जी मंडी राघोगढ़ में आए हुए व्यापारियों एवं रहवासियों और सब्जी मंडी में लगाने वाले दुकानदारों एवं ग्राहकों को पॉलीथीन के नुकसान के बारे में बताया गया और पॉलीथीन की जगह कपड़े से बने हुए थैले का प्रयोग करने के लिए कहा गया और पॉलीथीन बहिष्कार करने की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा, SI कृति सिंह, वार्ड पार्षद कोमल प्रसाद, महेंद्र सिंह एवं टीम HMS उपस्थित रही। शुक्रवार को गर्भवती महिलाओं को कोविड टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। 50 गर्भवती महिलाओं को लगा कोविड का पहला टीका। गुना जिले में 7 केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण किया जा रहा है। नगरीय केंद्र जिला चिकित्सालय के DEIS भवन गुना में कलेक्टर फ्रैंक नोवल ए के मुख्य आतिथ्य में शुभारंभ किया गया, जिसमें दोपहर 1:30 बजे से 50 से अधिक महिलाओं को कोविड का पहला टीका लगाया गया। इस मौके पर अपर कलेक्टर सोनम जैन, अपर कलेक्टर संजीव पांडे, SDM अंकिता जैन, CMHO पीवनगर, सिविल सर्जन डॉक्टर हर्षवर्धन जैन, जिला टीकाकरण अधिकारी सुदर्शन कुशवाहा, RMO डॉक्टर सुधीर राठौर आदि मौजूद रहे। गर्भवती माताओं और बहनों के लिए टीका पूरी तरह सुरक्षित है। आप लोग तो
केंद्र सरकार की गाइडलाइन आई कि गर्भवती महिलाओं के लिए टीका पूर्णतः सुरक्षित है, उसके जस्ट एक दिन बाद 3 जुलाई को ही मैंने कोवैक्सीन का टीकाकरण करवाया, प्रमाण पत्र प्राप्त किया और आज 20 दिन हो गए हैं। टीकाकरण के 20 दिन पश्चात मुझे ना तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट हुआ, ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी। प्रेगनेंसी के दौरान जो हल्की फुल्की हाथ पैर दर्द, कमर दर्द, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रहती है, वो एक सामान्य चीज है, वह रहेगी, लेकिन इसके अलावा कोई भी आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं होगा। यदि कुछ भी ऐसा लगता है कि बुखार आ रहा है या कोई साइड इफेक्ट जैसी महसूस होती है, तो आप तत्काल अपनी गायनेक डॉक्टर से दिखाएं। ये जो भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसके तहत टीका पूर्णतः सुरक्षित है, तो आप भी लगवाइए टीका, खुद को सुरक्षित रखिए और अपने गर्भस्थ शिशु को भी सुरक्षित रखिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा जिला गुना अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के 41 संगठनों के अध्यक्षों ने धरना स्थल पर आकर दिया समर्थन। जिला पंचायत की सभी शाखाओं में पड़ी रही कुर्सियां खाली, कर्मचारी रहे हड़ताल पर। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज जिला इकाई गुना द्वारा जनपद पंचायत गुना परिसर में ग्रामीण विकास विभाग के 14 संगठन के समस्त अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आज 23 जुलाई को भी हड़ताल जारी रही। मध्य प्रदेश पंचायत विभाग के 12 संगठनों द्वारा एक लगातार श्रमिक आंदोलन जारी था और सरकार द्वारा उसको पूरा न करने के कारण आखिर में उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में जो स्ट्राइक किए, काम बंद हड़ताल शुरू की है, उसका समर्थन करने के लिए मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला गुना और उसके सारे संगठन के जिला अध्यक्षगण उनको समर्थन व्यक्त करने आए हैं और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और उस संयुक्त मोर्चा जो पंचायत के साथियों का बना है उसको हम आश्वस्त करते हैं कि अगर किसी भी तरह के संघर्ष की जरूरत पड़ेगी तो उनके मोर्चे के पहले हमारा अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा अपनी बाजी लगाकर उनके लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा और इस संघर्ष को हम कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवेले के द्वारा बार्डो में सास की उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा फ्रैंक नोवेले के निर्देशन में जिन उपभोक्ताओं की पात्रता पर्ची बंद है उनकी पात्रता पर्ची भरवाई गई और सामाजिक सुरक्षा पेंशन समस्या निवारण का शिविर लगाया गया। इस मौके पर मौजूद SDM अंकिता जैन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव उपस्थित रहे। पात्रता पर्ची से छूट गए हैं उनके लिए कैंप का आयोजन किया गया है तथा ऐसे महिला पुरुष जो पेंशन की पात्रता रखते हैं उनको पेंशन फार्म भरवाए जा रहे हैं, इनके लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। आज बाढ़ क्रमांक 1 एवं 7 के कंट्रोल पर माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया है तथा दोपहर बाद बाढ़ क्रमांक 2 एवं 8 के कंट्रोल पर कैंप का आयोजन किया गया है। मैं सभी नागरिकों जो ऐसी पात्रता रखते से अनुरोध करता हूँ कि जिन परिवार में पात्रता पर्ची नहीं आई है वे अपने अपने दस्तावेज कंट्रोल की दुकान के माध्यम से जमा कर पात्रता पर्ची प्राप्त कर सकते हैं तथा जो परिवार या नागरिक जो पेंशन के पात्रता रखते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, BPL राशन कार्डधारी हैं या अन्य कोई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वे भी अपने आवेदन पेंशन के लिए हमें दे सकते हैं कैंप के माध्यम से। गुना हनुमान चौराहे पर जिला कांग्रेस की अगुवाई में शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद की जयंती मनाई गई। इसमें प्रमुख रूप से शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद के विचारों का आदान प्रदान करने वालों में सर्वश्री नूर अल हसन, नूर कैलाश नारायण भार्गव, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश मंथन, कैलाश यादव, वीरेन शर्मा, पूर्व पार्षद राम जीवन भार्गव, प्रदीप तिवारी, मनोज तिवारी आदि उपस्थित रहे। आज हमारे भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत माता के वीर सपूत, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। चंद्रशेखर आज़ाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी दूत थे।
उन्होंने भारत माता की आज़ादी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, अंग्रेजों से लोहा लिया और भारत माता की आज़ादी के लिए उन्होंने भगत सिंह, सरदार भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज अफसरों की हत्या तक की। ऐसे वीर सपूतों को आज हम याद कर रहे हैं जो देश के लिए, आज़ादी के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी। आज हम उनकी बदौलत आज़ादी की सांस ले रहे हैं, हमारे देश में प्रजातंत्र फल फूल रहा है। ऐसे अमर शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। औद्योगिक क्षेत्र किसी भी शहर में विकास व तरक्की की अहम भूमिका निभाता है। औद्योगिक क्षेत्र से ही कई लोगों के रोजगार प्राप्त होता है, परंतु गुना शहर का औद्योगिक क्षेत्र ही अभी विकास की राह देख रहा है। यहाँ की सड़कों की हालत गांव से भी बदतर है। एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र और दूसरी तरफ हजारों हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र खाटू श्याम मंदिर, जहां हर 11 हजारों लोग बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। उसके बाद भी सालों से यहाँ की सड़कें खुदी पड़ी हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा मिथुन धाका। तो आप यहीं रहते हैं या काम करने आते हैं? यहीं रहते हैं भाई, इधर काम करने आते हैं फैक्ट्री साइड। और ये रोड की ऐसी हालत हो रही है तो इससे आपको दिक्कत नहीं आती है क्या? रोड से तो भाई कुछ मत पूछो यार, भारी परेशान है, क्या करें जब भी काम चला रहा है यार। तो ये रोड कब से ऐसी है? अरे बहुत दिन हो गया यार, कोई सुनवाई नहीं हो रही यार भाई। तो अभी हो गई है कई, कितने समय से, मतलब कुछ साल? बहुत सारा समय हो गया यार, सालों पहले एक दो बार और भी रिक्वेस्ट की थी इसकी। अच्छा, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया इसका। ठीक। नमस्ते, मेरा नाम विकास शिवर है और मैं एक छोटा सा उद्यमी हूँ। छोटा सा मेरा व्यापार है कुसमोदा में। तो कुसमोदा एक तो औद्योगिक क्षेत्र है और कोई औद्योगिक क्षेत्र ही किसी शहर के विकास की विकास में अहम भूमिका निभाता है, परंतु शहर का विकास ही ऐसा अधूरा पड़ा है। यहाँ की सड़कें आप देखेंगे तो आप निकलने लायक यहाँ पर महसूस नहीं करेंगे। एक तो ये औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरा यहाँ पर प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर है। यहाँ हर 11 की शाम हजारों भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और वैसे भी भक्तों का आना जाना मंदिर की ओर लगा रहता है, परंतु यहाँ की सड़कों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। लोग बारिश में पैरों आधे आधे पैर डुबा के यहाँ से निकल के आते हैं। लोगों के और व्यापारियों के वाहन भी यहाँ से निकलते जाते हैं तो उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा हमारा निवेदन है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे और सड़कों का यहाँ पर निर्माण करवाए। धन्यवाद।